वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया है। टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है ऑफिशियल साइट पर। लगभग आप मान के चलिए फेब्रुअरी तक आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। टेक्नीशियन के लिए लगभग मेरा हिसाब से 6 से 10 हज़ार का पोस्ट रहना चाहिए, जिस हिसाब से ALP का है उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्चुअली ALP का तो हम लोग सोचे थे 25,000 से लगभग 30,000 सीट होगा, लेकिन उतने दिए नहीं, इतने फाइट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ टेक्नीशियन का भी लगभग 35 से 40 हज़ार रिक्रूटमेंट आने वाला था। अगर ALP का साथ कंपेयर करें तो 6 से 10 हज़ार तो आना चाहिए ही, बाकी तो नोटिफिकेशन ही बताएगा। तो आपको तो पता हो गया क्योंकि ऑफिशियल साइट से एक नोटिस पब्लिश किया गया, टेक्नीशियन एडवांस नोटिस। तो उसमें आपको बताया गया कि टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट हाल ही में जारी करने वाला है। तो और तो इसका प्रिपेरेशन के लिए आपको खुद को रोक के नहीं रखना चाहिए, आपका प्रिपेरेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। इसका एग्जाम कैलेंडर भी रिलीज हो गया है, आपका CBT जून से सितंबर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। और इसका भेड़िया शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा, इसलिए जून से शुरू होकर सितंबर तक इसका टोटल एग्जाम चलेगा, उसका बीच बीच में कुछ गैप रहेगा। अब प्रिपेरेशन शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट बिल्कुल भी प्रिपेरेशन नहीं किए हैं, एकदम प्रिपेरेशन नहीं है, या कोई स्टूडेंट अगर प्रिपेरेशन का बीच में है, स्टूडेंट आप लोग बोल रहे सर आप बता दीजिए कैसे प्रिपेरेशन करना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था मैं 2018 का रिक्रूटमेंट में ALPN टेक्नीशियन पोस्ट में सिलेक्ट हुआ था, और उसका आज सभी प्रूफ दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल तक सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। और एक चीज़ आप देख लीजिए, द अनटोल्ड स्टोरी शुभजीत ठाकुरा, तो इसमें कुछ बात है, मेडिकल तक सब कुछ हुआ है, उसका बाद क्या हुआ मैं किसी को आज तक कुछ नहीं बोला कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्या मेरा जर्नी रहा था, सब कुछ आज आप लोगों का साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मेरा लाइफ का पहला वैकेंसी था, पहला फॉर्म फिलअप था, और इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैं बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके अपने को तैयार किए थे, वो भी मैं ITI करते टाइम प्रिपेरेशन किए थे। और प्रिपेरेशन जर्नी मेरा कैसे रहा था मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी कैसे प्रिपेरेशन करना है। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगा मेरा जर्नी कैसा था। तो आप अगर सही में प्रिपेरेशन को करना चाहते हैं, और इससे मैं आपको 100% गारंटी देकर बता सकता हूँ आपका सिलेक्शन ALPN टेक्नीशियन में होगा, चाहे जितना भी कंपोस्ट हो जाए, मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरा जर्नी क्या था, पूरा आपको देखना है, उसका बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेरेशन करना है, वो भी घर बैठे आप प्रिपेरेशन कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रिपेरेशन कर सकते, कहीं पर भी आपको 2,000, 4,000, 5,000 का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने प्रिपेरेशन को कर सकते हैं। और ये मैंने किया था, सेम ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती होने से पहले मैं ALPN एग्जाम को खुद क्रैक किया था। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो स्टूडेंट मेरा बात सुन के वीडियो को कंटिन्यू करेगा, लास्ट तक देखेगा, उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेगा, और उसको इस एग्जाम के लिए ALPN में चाहे आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन टेक्नीशियन में तो आपका 100% होगा। और इसी तरीके से आपको प्रिपेरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट का नॉन टेक्निकल में कमजोरी है, और उसको कैसे बढ़ाना पड़ेगा वो मैं आज आपको बताऊँगा। और टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन 100% होगा, और कैसे होगा अभी शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है द अनटोल्ड स्टोरी शुभजीत ठाकुरा। अब ये रिक्रूटमेंट आपका आ गया है। हम लोगों का जो 2018 में रिक्रूटमेंट आया था उसमें लगभग 27,000 ALPN का सीट था, टेक्नीशियन का लगभग 34,000 का आसपास सीट था। हम फॉर्म फिलअप किए, लेकिन कब फॉर्म फिलअप किया मालूम है, जब मेरा ITI जुलाई में ख़त्म होने वाला था, उसी साल मेरा ITI का ड्यूरेशन था 2016 से 2018 जुलाई में मेरा ITI कोर्स कंप्लीट होने का था, लेकिन 2018 का फेब्रुअरी में वैकेंसी निकल गया। फॉर्म फिलअप करने के लिए 1 महीने टाइम दिया गया था, अगर मैं मार्च में भी पास आउट हो जाता तब भी मैं फॉर्म फिलअप कर सकता था, क्योंकि मेरा पास इसका मार्क्स डिटेल सब कुछ हमें मिल जाता।
तो पास आउट होने से 3 महीना 4 महीना पहले जब वैकेंसी निकल गया, मैं पूरा अपसेट हो गया कि इतना बढ़िया मौका कैसे हम छोड़ सकते हैं। बहुत लोगों को हम पूछे, सबने बताया कि अगर तुम परसुइंग अभी तो कोर्स कर रहे हो, अभी परसुइंग है तो इसमें फॉर्म डालोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद भी तुम रिजेक्ट हो जाओगे। मैंने किसी का बात नहीं सुना, अरे चलो ठीक है मैं फॉर्म ही डालूंगा, 500 रुपये का तो बात है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ाना था, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और कैसा एग्ज़ाम होता है वो भी मैं दिखूंगा कि मेरा एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन सही है कि नहीं, अगर अगले बार रिक्रूटमेंट आएगा तो ALP टेक्नीशियन को मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, इस हिसाब से मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। दिमाग में मेरा तो हमेशा था कि मेरा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। CBT 1 हुआ। अब देखिए रुकिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो को आप देखिए। इस CBT 1 का मेरा एडमिट कार्ड है, आप देखिएगा, मेरा रोल नंबर ये था, रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको मिल जाएगा, TCS गीतो बीतान में मेरा एग्जाम सेंटर था और मेरा 29 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 सुबह 8:15 में रिपोर्टिंग टाइम था। इसमें मैंने गया और एग्जाम को देखे आया। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि मैं प्रिपेरेशन कैसे कर रहा था। मैं जब ITI का सेकेंड ईयर में आ गया ना, 2016 से 18 मेरा ड्यूरेशन था, 2017 में जब भी मैं आ गया तो तब मैंने शुरू कर दिया टेक्निकल जॉब का या कंपटेटिव जॉब का अब प्रिपरेशन। जहाँ से भी हमें GK मिलता था, सिर्फ मैं GK पढ़ता था, पहले 6 महीने में GK पढ़ा था, जहाँ से भी GK बुक मिल जाता था, कहीं पेपर में, कहीं न्यूज़ पेपर मतलब कोई आपका मैगजीन है वहीं से हम पढ़ लेते थे। तो इसमें एग्ज़ाम मैंने दिया और एग्ज़ाम देने के बाद इसमें जो क्राइटेरिया रहता है, और फर्स्ट स्टेज में अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाना पड़ता, तो फर्स्ट स्टेज में मैं 38 मार्क्स लाया था, मैं फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब बात आते हैं सेकेंड स्टेज का। क्वालिफाई कर लिए, सेकेंड स्टेज का भी आ गया है। वेट, सेकेंड स्टेज का एडमिट ओपन एक्चुअली नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेज में मेरा एग्जाम कहाँ पे आया है आपको मालूम है? सेकेंड स्टेज का मेरा एग्जाम हुआ तमिलनाडु मदुराई में। मतलब अगर भारत का मैप अगर आप देखते हैं ना, तो इंडिया का मैप का एकदम अगर लास्ट में आती है, ये आपका कन्याकुमारी होता है, तो इधर आपका मदुराई होगा, मतलब जस्ट 25 से 30 किलोमीटर दूरी था कन्याकुमारी पहुंचने तक। तो वहां पे मेरा एग्जाम सेंटर आया, मैं एग्जाम देने चला गया। और कब एग्जाम हुआ था मालूम है? 21 जनवरी मेरा एग्जाम हुआ था, 21 जनवरी 2019। और 20 जनवरी 2019 मेरा एग्जाम था, मैं जहाँ पर अभी जॉब कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसमें मेरा एग्ज़ाम था। इसमें मैं एग्ज़ाम दिया, 1 बजे शायद ख़त्म हुआ, उसका बाद मैं 2:30 बजे तक पहुँच गया एयरपोर्ट में। मेरा फ्लाइट था रात 10:30 बजे, मैं उधर बैठे हुए पढ़ते रहे, उसका बाद रात 10:30 बजे तक इंतज़ार किए फ्लाइट पकड़ के। मेरा वन स्टॉप फ्लाइट था, डायरेक्ट पहुँचाने वाला नहीं था मदुराई, तो हमें सबसे पहले बेंगलोर लेके गए। बेंगलोर में जब हम बैठे ना, मेरे को 2 घंटे का लेओवर था, 2 घंटे उधर बैठना था, उसका बाद ही मेरा फ्लाइट था 5:10 में। तो मैं बैठ के क्या करूँ, फ्लाइट में जब उतर गया बेंगलोर में, तो मैं उधर बैठ के ही मैं अपना नोट्स को रिवाइज कर रहा था, सिर्फ रिविजन कर रहा था, नया कुछ पढ़ नहीं रहा था। 2 घंटा टाइम है, मैं अगर सो जाऊँ तो मेरे को उठाना मुश्किल है, शायद मेरा फ्लाइट ही मिस हो जाएगा। इसलिए उधर TV में मैच हो रहा था, क्रिकेट मैच हो रहा था, मैं कभी कभी देख रहा था जब नींद आ रहा था, और इधर रिविजन कर रहा था। 5:10 हुआ फ्लाइट पकड़ के, 6:10 में मदुराई उतर गया। उधर से मैंने गया मदुराई एयरपोर्ट से मदुराई स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ के गया तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन। तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन से लगभग जो एग्ज़ाम सेंटर था, आधा घंटा ऑटो का डिस्टेंस था, 300 रुपये तब का लिया था 2018 में, उधर पहुँचा है। जब पहुँचा तब लोग बहुत कैंडिडेट ने इधर आया है, देख के तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लो हो गया। उसके बाद सोचे कोई बात नहीं, बहुत प्रिपरेशन लिए हैं। और ये जो मैं बोला ना आपको, देखिए मैं कहीं पर भी सोया नहीं है। जो 20 तारीख से मैं एग्ज़ाम दिया,
20 तारीख एग्जाम दिया मैंने कोलकाता, कोलकाता जाने के लिए मेरे को घर से निकालना पड़ा 20 तारीख सुबह 3 बजे मैं ट्रेन पकड़ के 20 तारीख पूरा में जग गया। 21 तारीख देखिए कहीं पर भी जहाँ ट्रेन में जा रहे थे, जहाँ ऑटो में जा रहे थे, नोट्स रिवाइज कर रहे थे, कभी जहाँ भीड़ रहता उधर मैं फ़ोन से पढ़ लेता था। पढ़ाई का कमी नहीं था, पढ़ाई बहुत किए थे, बहुत ज़्यादा किए थे, मतलब वैसे हार्डवर्क आप करेंगे तो तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो फाइनली हम जब उधर पहुँचे ठीक है, प्रिपेरेशन मेरा अच्छा है, कोई बात नहीं। लास्ट में हम जब एग्ज़ाम हॉल में सब एंट्री ले रहा था, मैं अपने बैग में रहता था एक, उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक, उसको हम बिछा के उधर सो गए 10 मिनट के लिए, अपने दिमाग को पूरा ठंडा किया, क्योंकि मैं 2 दिन से सोया नहीं था। मेरा दिमाग सोचिए, इधर 3 बजे 20 तारीख मैंने उठा और 21 तारीख एग्ज़ाम देने चला गया तमिलनाडु, तो मदुरई, वो भी जो स्टूडेंट ने गया कभी इसरो का एग्ज़ाम देने उसको पता है, उधर गया 10 मिनट के लिए, पूरा माथा को सब कुछ सोचना बंद कर दिया, माथा को पूरा ठंडा किया, रिलैक्स करना, चलो बेस्ट ऑफ लक ऑल इज़ वेल। उसका बाद हम एग्ज़ाम हॉल में गए, मेरे को शायद 71 या 70 कुछ लगभग मार्क्स मिला था, मतलब पॉइंट में मिला था, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा जब टाइम आएगा, क्योंकि इसका अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। अब देखिए सेकंड स्टेज भी क्वालिफाई हो गया, सेकंड स्टेज क्वालिफाई होने के बाद देखिए मेरा, वेट पढ़ लीजिए, ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एलिफेंट टेक्नीशियन पोस्ट अगेंस्ट CEN01/2018। अब देखिए किसी भी रिक्रूटमेंट में और क्या रहता है, सबसे लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अगले दिन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, रेलवे का ऐसा ही प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे पहले होने का है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तब मैंने जब गया, इसमें भी देखिए मेरा कहाँ सीट था, इसमें भी देखिए मेरा था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई, चेन्नई क्रिसेंट रोड नियर इथिराज कॉलेज एगमोर चेन्नई 6008। मैं उधर पहुंच गया, फिर फ्लाइट पकड़ के मैं गया। मेरा दिमाग में तो यही था कि मेरा शायद फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। उसका बाद जब गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, लगभग 50 स्टूडेंट को बुलाया था हमने, जब गए मेरा मैन्युअली जो चेक कर रहा था सब कुछ चेक कर लिया, हम तो सोचे जब मैं पार हो गया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे मैंने सोचा था। मेरे को उधर बैठने के लिए बोला, सब डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर गए, जब कंप्यूटर में चेक किया वो पता चला कि मेरा एग्ज़ाम डेट मतलब पासिंग डेट फॉर्म फिलअप डेट का बाद है। हमें बुलाया, जब वो लेके आ रहा था डॉक्यूमेंट्स मैं समझ गया कि मेरा ही लेके आ रहा है, बोला कि बेटे तुम तो अभी फॉर्म जो फिलअप किए हो वो पास आउट करने से पहले ही तुम फॉर्म फिलअप कर दिए, तो तब तुम्हारा कोर्स परसुइंग था। हमको तो सब पता था, हम तो अनजाने का भाव दिखा रहा था, तो तुम तो एलिजिबल नहीं हो, थोड़ा मुख लटक लिया। तो उसका बाद हमें कंधे में हाथ रख के बोला कि जब तुम अपने 20 साल की उम्र में इतना अच्छे नौकरी को क्रैक कर सकते हो तो तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, तुम्हारे लिए और भी बेटर अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात हमें बोला और बोला तुम वेट करो देखते क्या होता है। पूरा दिन हमें वेट करवाया, शाम हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते वक्त लास्ट में हमें बुलाया, हम सोचा शायद हो जाएगा, जाने के बाद बोला तुम एलिजिबल नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स लेको ले जाओ घर चलो। तो इतना देर तक मेरे को वेट करके रखा, मैं तो सिर्फ वही आशा लेके बैठा था कि शायद हो जाए किसी तरीके से, मैं यही सोच लेके बैठा था, नहीं हुआ, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया। उस दिन खाया भी नहीं, रात में कुछ खाया नहीं, सुबह जब मोबाइल चला रहा था क्योंकि सुबह ट्रेन था शायद 1:30-1 बजे मोबाइल चला रहा था, तब देखा, मतलब भगवान होता है क्यों होता है, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मेरा अगले दिन मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया है और उसके अगले दिन मेरा नाम आ रहा है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ गया है, मैं तो सोचा कि भगवान है इसको ही अच्छा से पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हमें पता था कि नहीं सिलेक्शन होगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब किया जाता ना, सबसे पहले आपको एक हाथ में बैंड पहनाया जाता है, बैंड भी मेरे को पहनाया दिया था, मैं बैंड मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कैसा एक्चुअली होता है। तो ये बैंड आपको खुलना नहीं होता डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस दिन होता, जहाँ मेडिकल एग्जाम होता वहाँ जाके आपको बैंड खोलना होता, वो लोग जाके बैंड खोलेगा कि हाँ इसका हाथ में है मतलब एक कैंडिडेट है, वो भी पहना के मेरे को घर पे मतलब घर भेज दिया। तो बहुत मतलब अपसेट हो गया था, फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन ये जो जाननी था ना मैं, अगर अगले दिन इतना अच्छा न्यूज़ नहीं मिलता कि मैं इंटरव्यू के लिए मेरा नाम आ गया, मैं इतना
अब स्ट्रेस को नहीं ले पाता, मतलब इतना जल्दी इतना बड़ा लोड को हम नहीं ले पाता कि एक जगह इतना बड़ा जगह में एलपी टेक्नीशियन का जैसा एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, सिर्फ पास आउट नहीं हुआ। इसलिए पास आउट होने से पहले मैं इतना अच्छा नौकरी को क्रैक कर लिया। तो सोचिए मेरा प्रिपेरेशन लेवल कैसा था। अब प्रिपेरेशन लेवल का बात आते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में जो स्टूडेंट है वो बोल सकते हैं कि आप तो टॉप ओवन में कोचिंग लेते थे। हाँ, हम कोचिंग लिए थे। कब ज्वाइन किए थे मालूम है? 1 सितंबर में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, 1 सितंबर में। लेकिन मेरा फर्स्ट सीबीटी कब हो गया? फर्स्ट सीबीटी मेरे को दिखाया था 1 सितंबर से पहले मेरा सीबीटी हो गया था। एक बार रुकिए, मेरा एग्ज़ाम कब हुआ? 29 अगस्त, मतलब मेरा पहले एग्ज़ाम हो गया है। और सेकेंड स्टेज के लिए जब मैंने बैठा ना, सेकेंड स्टेज के लिए हम लोग को 1 महीने का टाइम मिला था, 1 महीने का टाइम मिला था। मैं लगभग 1 महीना तो भवन में गया था, उसमें 2 दिन करके क्लास होता था, तो लगभग 7 से 8 दिन क्लास हुआ था। उसमें कुछ नहीं होता प्रिपरेशन में, सब मैंने खुद किए। एएलपी का जर्नी में मेरा खुद का क्रेडिट था। और कैसे किए अब बताते हैं। देखिए, आपको तो सिलेबस पता है, एक बार सिलेबस दिखा के मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से, बिना सिलेबस को डिस्कस करके क्या होगा। जो सिलेबस है सबसे पहले उस पे लेके चलते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेज CBT 1, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें क्वालिफाई करना पड़ता। क्वालिफाई कितना मार्क्स है इसमें देखिए, टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहता है, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटा टाइम बहुत कम है, ठीक है। और इसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका होता है, एक गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी। इसमें जस्ट आपको इतने मार्क्स लाना पड़ता है तब आप क्वालिफाई हो जाता है। अनडिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट को 40%, मतलब 75 का अगर 40% करते हैं तो आपका 30 मार्क्स आ जाता है। 30 मार्क्स अगर आप लाते तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। NCL के लिए, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, इतना मार्क्स आपको सिर्फ लाना पड़ता है, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा 38 मार्क्स आया था, मैं क्वालिफाई कर लिया था। मैं पहले फॉर्म डाला था RRB कोलकाता से, लेकिन मेरा जब CBT 2 होने वाला था, सर ने बोला था कि तुम्हारा मार्क्स कम है, तुम चेन्नई में फॉर्म डाल दो, चेन्नई में कम जाता इसलिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट देखे तो उस बार चेन्नई में आप जाके चेक कर सकते, सबसे ज़्यादा कट ऑफ चेन्नई में गया था, सबसे कम कट ऑफ गया था कोलकाता में। तो इसमें देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है क्या क्या रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, उसमें नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, ACF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, इतने सारा चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्शन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट एंड एजम्पशन। जनरल साइंस में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें हाँ लाइफ साइंस दिया मतलब बायोलॉजी। जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। इसमें देखिए, मैंने प्रिपेरेशन कैसे किया था, जितना भी चैप्टर है ना, सब चैप्टर को मैंने पार्ट बाई पार्ट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कहाँ से किया था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग था, इसमें देखिए मैं रीजनिंग खुद प्रैक्टिस करके गया था, मैं कहीं पर भी जाके कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखा था, रीजनिंग किताब देखे मैं प्रैक्टिस करता था जो भी रीजनिंग है।
नहीं, लेकिन रीजनिंग में हुआ क्या था मालूम है? मैं ये सब एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ये सब रीजनिंग देख के गया था। लेकिन फर्स्ट स्टेज में सबसे ज्यादा आया था सिलोलिज्म, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्शन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, मैक्सिमम क्वेश्चन। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ दे, रीजनिंग हम क्या प्रैक्टिस करके आए क्या नहीं है। फिर भी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं आपको राइट आंसर पता होता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बहुत ईजी होता है, आर्गुमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो फिर भी ये सब आपका आता है नॉन वर्बल रीजनिंग में। एक्चुअली मैं वर्बल रीजनिंग पढ़ के गया था, ब्लड रिलेशनशिप, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, सिलोलिज्म, ये सब प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन आया था नॉन वर्बल रीजनिंग। तो बता देते हैं मैथ का प्रिपरेशन हमने कहाँ से किए थे और आपको कहाँ से करना है। देखिए मैं फॉलो किया था वाईफाई स्टडी में जो साहिल सर पढ़ाते हैं उसका आरआरबी ग्रुप डी 2019 का सीरीज। एक्चुअली एएलपी के लिए भी सीरीज था लेकिन सबसे बढ़िया सीरीज है आपका ए सीरीज। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। आप देखिए इसमें टोटल कितना वीडियोस है, आप नीचे आ जाइएगा इसमें देखिए टोटल 16 नंबर क्लास हुआ, लगभग ऊपर में आपको मिल जाएगा कितना टोटल वीडियोज है इसमें लिखा रहता है। 215 वीडियो है इस वीडियो में, 215 वीडियो में साहिल सर ने पूरा जितना भी आपका टॉपिक है मैथ का टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें से कुछ 215 आपको लग रहा है जैसे आप देखिए पावर ऑफ सक्सेस, कुछ ऐसा भी वीडियोस है जो इस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। इसको आप जैसे आरआरबी ग्रुप डी ऐसा पद है तो लगभग आप 180 प्लस वीडियो मान के चलिए, इतने सारा वीडियोज आपके लिए है। मैं इससे फॉलो करके गया था, एएलपी के लिए एक सीरीज था उससे फॉलो करके गया था। मैं किसी को प्रोमोट डिमोट नहीं करना चाहता हूँ, जो सच है जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आपको 180 प्लस वीडियो मिलेगा इसमें आपका जितना भी टॉपिक है हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर समझाते हैं, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं पर भी सोचेंगे कि पेड कोर्स लेंगे, आप तो ये चैनल ने पेड कोर्स लॉन्च करने वाला है 2000 में, 500 में, 300 में जब मिल जाए, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। आपको सबसे पहले बेस क्लियर करने की जरूरत है। अभी जून है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, चार महीना आपका पास टाइम है। फरवरी भी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पांच महीना आपका पास टाइम है। पांच महीने में इसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ तो दो प्लेलिस्ट कंप्लीट करने। ये आपका मैथ का प्लेलिस्ट है, आप डेली दो करके अगर करते तो आपका कितना दिन टाइम लगेगा, 90 डेज मंथ 30, आपका लगभग तीन महीना टाइम लगेगा, दो महीना और भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, आपको दो करके करना पड़ेगा। इसमें जो आपको समझाएगा ये आपका हमेशा के लिए, आप अगर टेक्निकल स्टूडेंट है तो आप इसके बाद जितना भी टेक्निकल एग्जाम में भी आप बैठेंगे, आपका तो नॉन टेक वीक होने का कारण, कमजोरी होने का कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आपका हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैं इसको फॉलो करके गया था, सच बता रहा हूँ। पर आपका इसका बाद मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया मैथ का बात, मैथ आपका इससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको कहीं पर भी पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं, यही आपको पढ़ाएगा, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। मैं आपको बताता हूँ इसे आप पढ़ लीजिए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका बाद देखिए रीजनिंग, रीजनिंग आप, मैं तो घर पर प्रैक्टिस किया था, रीजनिंग का क्लास भी कर सकते हैं। रीजनिंग का क्लास होता है वाईफाई स्टडी का, आप देखना ग्रुप डी का सर्च कर लेना, ग्रुप डी चैनल है वाईफाई स्टडी, उसमें हितेश सर, HITESH हितेश सर का ऐसे ही रीजनिंग का क्लास है। जितना भी क्लास है आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो रीजनिंग में आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, सिलोलिज्म, डिकोडिंग, जो भी वेन डायग्राम आए, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। मैं उन सब स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। जनरल साइंस का प्रिपरेशन कहाँ से करें? मेरा दो ही टीचर यूट्यूब का फेवरेट है, मैं जिसे बहुत कुछ सीखा हूँ, एक साहिल सर और दूसरा मैथ के लिए साहिल सर और दूसरा सिप्रा मैडम। अब तो बहुत सारा स्टूडेंट जानते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, रुक जाइए। देखिए सिप्रा मैडम की आपको क्लास मिल जाएगा, देखिए ये आपका
आप एनटीपीसी का भी सीरीज शुरू कर सकते हैं, किसी भी एक सीरीज आपको सिप्रा मैम का शुरू करना, एनटीपीसी का भी आप सीरीज शुरू कर सकते हैं। इसमें देखिए टोटल 252 वीडियोस है। ओके, इसको अगर अंदर जाके देखते हैं ये क्या क्या है इसमें, वेट देखिए, इसमें देखिए कुछ कुछ ये मत कहो खुद से, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी है, कुछ एक्स्ट्रा लाइव टेस्ट का वीडियो है, इतने वीडियो है ना। अगर आप देखते हैं बायोलॉजी जो आपका लाइफ साइंस आप बोल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको साइंस समझ में और ज़्यादा आने लगेगा। मैं साइंस स्टूडेंट था लेकिन साइंस में जितना मैंने सीखा ना सीखा उससे ज़्यादा मैंने सीख लिया सिप्रा मैम से, सही बता रहा हूँ। इससे आप ये जो क्लास है इसको आप कर लीजिए। देखिए आप जहाँ पर भी पेड कोर्स लेंगे, जहाँ पर भी पेड कोर्स, यही आपको बताएगा, यही आपको क्लास, इतना ही क्लास आपको करवाएगा, लेकिन इतना बढ़िया आपको कोई नहीं करवाएगा। मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। ये सीरीज से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप डी का शुरू सीरीज से भी कर सकते हैं। जैसे ग्रुप डी का सीरीज आप देखिए ऐसे, ग्रुप डी 2019 देखिए, ये आपका बायोलॉजी का है, लाइफ साइंस का सीरीज है। ऐसे फिजिक्स का भी सीरीज आप सर्च कर लीजिएगा, ऐसे आपको सर्च करना है रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस, बस आप एक लिख सकते हैं बायोलॉजी बाय सिप्रा मैम प्लेलिस्ट वाईफाई स्टडी, अदरवाइज आप लिखिए जब फिजिक्स का नया फिजिक्स का लिख दिए, और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, तो तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। तो आप देखिए आपको क्या करना है, आपको साहिल सर का मैथ को पूरा कंप्लीट करना है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी से आपको पूरा अपने जीजा लगाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट टेक्नीशियन में भी है उसको मैं बता रहा हूँ, सब मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है जो आज मेरा जान पहचान का स्टूडेंट है, सब देख रहे हैं। मैथ का वीडियो देखिए, जनरल साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो सिप्रा मैम का देखिए, कहीं पर भी पेड कोर्स मत लीजिए, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा। और तीसरा हितेश सर का रीजनिंग आप देखिए, जेनरल नॉलेज आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, जेनरल नॉलेज कभी क्वेश्चन कॉमन नहीं आता है, जेनरल नॉलेज का मैं आपको बताऊंगा और इससे आपको क्वेश्चन कॉमन आएगा, और जेनरल नॉलेज इससे बाहर आपको और कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहीं से यूट्यूब से आपको क्लास नहीं करना पड़ेगा, मेरा बात सुन लीजिए। लास्ट में सिर्फ एक मैं बुक सजेस्ट करूँगा। अब बात आता है आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा जीके, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिर्फ आपको अपडेट रखना है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है बहुत सिंपल करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जैसे आईपीएल कहाँ पे फर्स्ट मैच होगा या कहाँ पे फर्स्ट मैच होगा, हम लोगों का टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा टीम विनर हुआ था, कभी कभी मैन ऑफ द मैच से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिए जीके आपको कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जीके मैं प्रोवाइड करूँगा या आप कहीं से भी कर सकते हैं, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी, वन में टोटल 30 शिफ्ट हुआ था, टोटल 10 दिन एग्जाम हुआ था और उसमें टोटल आपका 30 शिफ्ट था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका पीडीएफ अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करना वो मैं आपको बताता हूँ, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2, इसमें आपका 16 शिफ्ट का सब ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ना है। तीसरा आरआरबी, जेई 39 शिफ्ट, टोटल 39 शिफ्ट, 13 दिन में एग्जाम हुआ था, ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम रहता है। जेई में भी आप लोग जानते हैं डिप्लोमा बैठते हैं, बीटेक बैठते हैं, इसमें भी बीटेक बैठते हैं, सॉरी आईटीआई में भी जो असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट है इसमें भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक सब बैठते हैं, इसका 39 सेट आपको इससे पढ़ना है। चौथा आरआरबी ग्रुप डी का 135 सेट आपको पढ़ना है, बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड 135 सेट इंटू 100 कर दीजिए कितना होता है, लगभग आपका 13,500 आएगा, 13,500 आपका क्वेश्चन आएगा इसका पेपर से। ओके, इसमें आपका 135 सेट हिंदी में है, लगभग आपका 40 सेट इंग्लिश में है और कुछ बंगाली में भी है, लगभग 30 से 40 सेट बंगाली में है। इसका बाद एक ग्रुप डी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी 130 सेट शायद, 130 सेट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर,
इससे आप जीके पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको जीके कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको रीजनिंग, सॉरी, बाकी आपको करंट अफेयर्स देखना है, करंट अफेयर्स थोड़ा सा अपडेट खुद को रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन आता है। तो आप इतने को अगर पढ़ के जाते, इतने में से जितना जीके पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जीके पढ़ना है, जीके जनरल नॉलेज या जिसको आप जनरल अवेयरनेस कहते हैं, इससे पढ़ना है। बहुत सारा आपको लगभग 50,000 क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे आप पढ़ लीजिए। एक कहाँ से मिलेगा, मैं अभी रिसेंटली ऐप लॉन्च किया हूँ, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें रजिस्टर करके लॉगिन कर लीजिएगा और इतने सारा पेपर आपको मिल जाएगा और एकदम मैं रिजनेबल प्राइस में उसको रखा हूँ। आप इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन से पढ़ सकते हैं, आप अगर चाहते हैं तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन रेलवे का जो ऑफिशियल पेपर है ना उसको प्रिंट आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एक बोरा बन जाएगा, इतना में भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होगा, इसमें 30 सेट, 16 सेट, इसमें 39 सेट है, इसमें 130 सेट है, इंग्लिश में 40 सेट है, बंगाली में 40 सेट है, RRB NTPC का 130 सेट है, इंग्लिश में 10 सेट है। तो इतने ना आपको अगर पढ़ के जाते जीके में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका साथ साथ मैं ऑलवेज सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको बुक इसका साथ और पढ़ना है जीके के लिए, मैं सिर्फ जीके के लिए बात कर रहा हूँ, देखिए मेरा बात सुनिए, रीजनिंग, मैथ, साइंस का मैं बात करता हूँ, जीके के लिए मैं बोल रहा हूँ, जीके के लिए अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं और इस आर्यंत ARIHNT आर्यंत पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप आर्यंत पब्लिकेशन लीजिए, बहुत अच्छा बुक है, अगर आप किरण का पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने में जितना जीके है ना, आप अगर इसको पढ़ के उठते तो आपके लिए क्वेश्चन 100% कॉमन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम जाएगा। और एक्स्ट्रा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देखिए जितना एक्स्ट्रा पढ़ सकते वो आपके लिए बेनिफिट है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे पढ़ा था, लेकिन मेरा टाइम ना ये सब क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, ये सब पेपर अवेलेबल नहीं था, जब रेलवे का 2018 से रिक्रूटमेंट आने लगा, एक के बाद ALPS का साथ टेक्नीशियन था, उसके बाद ग्रुप डी, NTPC, JEE, धीरे धीरे हुआ, सब पेपर मेरे को लेना पड़ा था, YouTube में बहुत सारा जगह से आपको मिल जाता, आपको प्राइस और भी ज़्यादा हाई मिलेगा, मैंने खुद लिया था और मैं अपने पास अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा था, अब आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में उसका मैं प्राइस रखूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर, इससे आप जीके पढ़ लीजिएगा। तो मैं जीके का प्रिपेरेशन कहाँ से करता था, मैं जीके का प्रिपेरेशन करता था, मैं पहले ही बोला, जब मैं 2017 में सेकेंड ईयर में उठ गया तब से मैं जीके पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारा लाइफ में बहुत सारा जीके मैंने पढ़ा था, तो वो बहुत मेरा हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। तो जीके आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, बाकी कैसा है मैं आपको बता दिया हूँ। इससे बाहर अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ गलत बोला हूँ, कि नहीं आप जो बोल दिए कि कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना, अब वो आपका डिसीजन है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में जो आपको बताया हूँ वही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट मटेरियल सब कुछ मिल रहा है। और इधर तो आप देख ही सकते हैं जीके का, इससे इसको कंप्लीट करना बहुत बड़ा बात है, इसको अब कंप्लीट कीजिएगा और जब कंप्लीट हो जाएगा किरण का और आर्यन पब्लिकेशन का जीके बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत अच्छा से प्रिपेरेशन बनेगा। और आप बोल सकते हैं सर मेरा जब प्रिपेरेशन हो जाएगा मैं कैसे चेक करूँ कि मेरा प्रिपेरेशन कितना पहुँचा, जब आपका 4 महीने लगभग हो जाएगा, 3 महीने लगभग हो जाएगा, सब क्लास खत्म हो जाएगा, तब अपने आपको जाँच करना कि मेरा प्रिपेरेशन लेवल कितना हुआ है, मैं अब एग्ज़ाम बैठने के लिए तैयार हूँ कि नहीं। पहले आप एक दो प्री टेस्ट कहीं से भी देख सकते हैं, आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं आएगा अगर आप बिगिनर रहते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सब जो मैं बताया हूँ उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद किसी भी जगह से आप टेस्ट सीरीज को लीजिए, टेस्ट को लीजिए, तब आप प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आप जहाँ पर भी प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, अगर वो टेस्ट सीरीज अच्छा है तो आपका परफॉर्मेंस 100% अच्छा होगा। तो यही तो सब कुछ बताने का, यही जो स्टूडेंट आज तक नहीं जानता था, मेरा मेडिकल सिर्फ होने वाला था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी मैंने करवाया था, रिजेक्ट हो गया और मेडिकल में मेरे को बुलाया नहीं, उसी दिन रिजेक्ट कर दो, बहुत मतलब बैड स्टोरी है मेरे लिए, वो दिन मेरे लिए बहुत ख़राब था, लाइफ में सबसे बुरा दिन वही था।
और उसको मैंने ओवरकम किया हूँ। और एक जगह में नहीं, मैं टोटल 8 जगह में नौकरी एक कवा देख क्रैक किया हूँ, और ये सब कुछ मैं कर पाया हूँ। अगर मैथ का बोले साहिल सर, और अगर साइंस का बोले सिप्रा मैम ने बहुत बहुत अच्छे वीडियो यूट्यूब पर डाल के रखा है जो बहुत हेल्पफुल हुआ। मैं रीजनिंग का क्लास नहीं करता था, लेकिन आप लोग कीजिएगा, मैं नहीं करता था इसीलिए मेरा नॉन वर्बल रीजनिंग में प्रॉब्लम होता। नॉन वर्बल रीजनिंग पहले किसी को सिखाना पड़ता है, ठीक है, तो वो आप जरूर सीख लीजिएगा। ये कंप्लीट प्रिपरेशन मैं कैसे किया था, आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, और आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, आपको एक ही जगह से सब पीडीएफ मिल जाएगा। मैं अपने ऐप पर सब कुछ अपडेट करके रखा हूँ। आपका आपको ऐप पर आना है और उधर पीबीएसआर क्वेश्चन सेक्शन पे जाना है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे बाहर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स पर। और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था कि एएलपी का एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात क्या हुआ था, इसीलिए मैंने लिखा था अनटोल्ड स्टोरी। मतलब आज तक जो किसी को मैं नहीं कहा, मेरा फैमिली छोड़ को और किसी को नहीं पता था, तो आज मैं आप लोगों का साथ शेयर किया हूँ। अब तो सोच सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल उसका अगले दिन होता है, रेलवे का ही सिस्टम, और क्या स्टेप बाकी रहा। वो भी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था ना, तो उस तीसरा दिन में मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। टोटल वेरिफिकेशन 1.5 महीने तक चला था, उसमें मेरा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हुआ उसका तीसरा दिन में मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था। मतलब मेरा मार्क्स अच्छा था, 75 point something कुछ था, और ये सब कुछ कर पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मैं जो जर्नी करके इतना गया आया सब में मैं नोट्स खोल के पढ़ते रहता था। जब मैं चेन्नई में रिजेक्ट होके, मेडिकल में रिजेक्ट होके घर लौट रहा था, तब भी मैं किताब नहीं छोड़ा, क्योंकि हमको सिलेक्शन एक जगह में लेना था। और मैं एक साल अच्छा से तैयारी किया था, एक साल में टोटल 8 जॉब को मैंने क्रैक किया था, वो भी सब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू जॉब है। आप भी कर सकते हैं, और ये अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है। जो स्टूडेंट शुरू से अभी तक वीडियो देख रहा है ना, उसको तो बहुत कुछ सीख मिला है, और उसको इस बार का नौकरी उसके लिए 100% है, अगर वो मेरा बात सुन के ये सब कुछ करेगा तो। किसी को मैं प्रोमोट, किसी को मैं डिमोट नहीं किया, लेकिन मेरा पसंद है, मेरा ओपिनियन है, मैं आप लोग का साथ शेयर किया हूँ। मेन सब कुछ डिपेंड करता है आपका हार्डवर्क। अभी आपको डेली क्या करना है, डेली 2 मैथ का वीडियो, 2 साइंस का वीडियो, 1 जी रीजनिंग का वीडियो, जी के साथ साथ पे पढ़ना है और कुछ नहीं, क्योंकि टेक्नीशियन में आपको फोकस देना है, एएलपी में आपको फोकस देना है। टेक्नीशियन में इतना अच्छा रिक्रूटमेंट आएगा कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए, मतलब जो आपको 5-10 पोस्ट आता है उससे तो बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट आएगा। इसलिए आपको मेन पढ़ना पड़ेगा डेली, 2 मैथ, 2 साइंस, 1 रीजनिंग, बाकी जी के आपको यहाँ से रिविजन डेली करते रहना पड़ेगा। और ये सब आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने को खुद सेल्फ मोटिवेट रखिएगा। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर से वीडियो को आप रिप्ले कीजिएगा और मेरा मेहनत का सुनिए, मैं कैसे किया था। मैं जहाँ पर अभी जिस स्थिति में भी रहा हूँ, ट्रेन में रहा हूँ, बहुत बार ट्रेन में एग्ज़ाम देने का बैठने का जगह नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला, जहाँ पर भी मैं टॉयलेट का पास बैठ के भी मैं पढ़ते हुए गया, जहाँ किताब खोल नहीं पाया, नोट्स नहीं खोल पाया, उधर मैं फ़ोन देख के पढ़ते हुए जाता था, मेहनत किया। बहुत सारा स्टूडेंट आप बोलते हैं कि आपका तो हो गया है, आप इस बार नहीं सपोर्ट कर रहे। हमने भी सपोर्ट किया था, और हमने देखा था कि इस बार रिक्रूटमेंट बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि यही चल रहा है लगभग, तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हो ही गया है, और इसीलिए आज का आपका 30,000 का जगह 5,000 रिक्रूटमेंट आके बैठा है। फिर आपका 2025 में आएगा, वही आप देखना, 3,000 से 5,000 ही रिक्रूटमेंट आएगा। और इसके ऊपर क्या बोले, बहुत ज़्यादा विरोध भी किया, सब कुछ फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा है, अब देखते क्या होता है। फिर आप प्रिपरेशन को जारी रखिएगा साथ साथ, ठीक है, और मैं आपका साथ हूँ, ऑलवेज साथ हूँ, और ऐसे आप तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।